हाय फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम डालते ही इसमें तो हम लोग गेट का प्रिपरेशन हम लोग चालू कर देंगे इसमें, और फेब्रुअरी 3rd, 4th, 5th, 6th शायद गेट का एग्ज़ाम्स होगा, और अगस्त और सितंबर से, अगस्त का लास्ट वीक टेंटेटिवली और सितंबर का फर्स्ट वीक से गेट का फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। तो हमारा पास 6-7 महीना है अभी, तो अगर अभी से शुरुआत करेंगे तो दो चीज़ हो सकता है, तो हम लोग क्रैक कर सकते हैं, और क्रैक अगर नहीं भी करें तो डेवलपमेंट हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसे चीज़ है जो हर फील्ड में मैट्रिक्स लगते हैं। आप मैनेजमेंट का फील्ड में जाओ, कंस्ट्रक्शन का, कोई भी फील्ड में जाओ, सिविल इंजीनियरिंग, हर इंजीनियरिंग में और हर साइंस में मैट्रिक्स आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मेन जो चीज़ होते हैं, जो हम लोग जो रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे लिनियर एल्जेब्रा में हम लोग ले आते हैं, और ऐसे कंडीशन होता है जो बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म होते हैं, तो वो इक्वेशन अगर सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स वन ऑफ द मेथड है, जो मेथड से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का टेक्निक और डेप्थ से मैट्रिक्स को बढ़िया से करना पड़ेगा। तो चलो, मैट्रिक्स का आज जो हम लोग प्रॉब्लम एक तो लिया है वो सिंपल सपोर्टेड एक तो बीम, बीच में एक तो लोड दिया, ये डिप्लोमा लेवल का एकदम से शुरुआत किया है। तो उसको कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग इसमें आज डालते हैं, और आप लोग जुड़ते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसको मैट्रिक्स का जो और जो डिवीजन है, बहुत किस्म का जो मैट्रिक्स है, वो हम अगला वीडियो में हम डालते रहेंगे, और गेट का जो प्रिपरेशन है इसी से हम चालू करते हैं। सेकेंडली, जो मुद्दा हम उठाया, जो अगर गेट स्कोर करे तो उसको क्यों 60% मार्क्स देखा जाता है, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस अगर कोई कवर करे और क्रैक करे तो उसको 60% का कोई मतलब नहीं होता है देखने का। तो मुद्दा आपको हम भी उठाया, और उसको लेके भी हम जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा वो जाएगा, आप इसको हम उठाएंगे। तो चलो, मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, आप मैट्रिक्स मेथड से, जस्ट कॉन्सेप्ट को आज हम इसमें डाला है, चलो देखते हैं। गेट 24 मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, लीनियर एलजेब्रा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्रॉब्लम डालेंगे, वो प्रॉब्लम को लीनियर एलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन में लेके आएंगे। तो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं ना, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स से हम लोग सॉल्यूशन निकालने के। तो एक तो कॉमन प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, सब जानते हैं, दो एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, बीच में एक तो लोड है, दो तो रिएक्शन है। तो इसका अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करें तो उसका फिगर कैसे होगा, वो एक तो ट्रायंगल का शेप का तरह होगा। देखिए, हम इसमें ट्रायंगल का डाले हैं, तो इससे अगर हम दो टो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हम फाइंड आउट करें तो देखिए, y इज इक्वल टू mx + c होते हैं, और a स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बनते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ax by c1 ax2 c2, तो कांस्टेंट वेरिएबल एंड द कोएफिशिएंट। तो इसको हम डालेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे, अभी लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके आया, और कोएफिशिएंट ब्रैकेट में आता है, इसको वेक्टर बोलता है, और एक्स और वाई द वेरिएबल है। फाइनली देखिए, जो शेप ऐसे आता है,